अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी उसका नाम है आमना और तीन भालू। चलिए स्टोरी सुनते हैं। एक जंगल में भालुओं का एक घर आबाद था। इस घर में तीन भालू थे। सबसे बड़ा डैडी भालू था, इससे छोटा मम्मी भालू, जबकि सबसे छोटा मुन्ना भालू था। एक रोज सुबह सवेरे भालू सोकर उठे तो उन्हें सख्त भूख लगी हुई थी। डैडी भालू खीर बड़ी मज़ेदार बनाते थे, इसलिए मुन्ने भालू ने फरमाइश की कि आज डैडी भालू खीर पका कर खिलाएं। डैडी भालू ने शहद, बादाम और मेवा डालकर बहुत मज़ेदार खीर तैयार की, लेकिन जब तीनों भालू खीर खाने लगे तो ये बहुत ज़्यादा गर्म थी। मम्मी भालू ने तजवीज़ पेश की कि जब तक खीर ठंडी हो क्यों ना हम लोग सुबह की सैर कर आएँ। मुन्ने भालू ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं सैर करने नहीं जाऊंगा, मुझे खीर ठंडी करके खाने के लिए दो। मम्मी भालू ने समझाया, बेटा जिद नहीं करते, बड़ों का कहना मानते हैं। आओ शाबाश, जल्दी चलो, हम सुबह की सैर भी करेंगे और साथ ही कुछ फल भी तोड़ कर लाएंगे। तीनों भालू जंगल में सैर करने निकल खड़े हुए। मम्मी भालू ने आवाज देकर कहा, मुन्ने भालू अंदर से एक टोकरी लेते आना ताकि फल लाने में आसानी रहे, और हाँ घर का दरवाजा बंद कर देना। मुन्ना भालू आखिर में घर से टोकरी लेकर निकला तो अपने पीछे घर का दरवाजा बंद करना भूल गया। आज जंगल में मौसम बहुत खुशगवार था, हल्के हल्के बादल छाए हुए थे, मजबूर कुन हवा चल रही थी। आमना अपने घर के करीब आके इस जंगल में सैर के लिए आई हुई थी। जंगल में घूमते फिरते आमना जब भालू के करीब आई तो इसे अंदर से मजेदार खीर की खुशबू आई। इस बच्ची का नाम आमना था। आमना ने घर के अंदर झांक कर देखा तो अंदर कोई नजर न आया। वो घर के अंदर चली आई, इसने देखा घर के अंदर एक मेज के गिर तीन कुर्सियाँ रखी है और मेज पर खीर से भरे तीन प्याले रखे थे। आमना ने बड़े प्याले में से खीर चखी तो ये बहुत गर्म थी। इसने कहा, ये तो बहुत गर्म है। फिर इसने दूसरे प्याले में से खीर का चम्मच भर के मुंह में रखा और खुद से बोली, उफ, ये तो बहुत ज्यादा मीठी है। अब इसने तीसरे प्याले में से खीर खाकर देखी और कहने लगी, वाह, ये तो बहुत मजेदार है। और देखते ही देखते इसने खीर का प्याला खाली कर दिया। आमना क्योंकि काफी देर से जंगल में सैर कर रही थी, इसलिए खीर खाने के बाद आमना ने सोचा कुछ देर आराम कर लिया जाए। ये सोच कर वो डैडी भालू की कुर्सी पर बैठी, लेकिन ये काफी सख्त थी। आमना ने सोचा, ये तो आरामदेह नहीं है, इसलिए मम्मी भालू की कुर्सी पर बैठकर देखा जाए। जब वो मम्मी भालू की कुर्सी पर बैठी तो वो अंदर ढंस गई। आमना बोली, नहीं, ये कुर्सी भी मेरे लिए मुनासिब नहीं। ये कहते हुए इसने मुन्ने भालू की कुर्सी पर बैठने की कोशिश की, लेकिन ये कुर्सी क्योंकि बहुत छोटी थी इसलिए आमना का वजन ना सहार सकी और टूट गई। आमना ने मुन्ने भालू की कुर्सी जोड़ने की कोशिश की लेकिन कामयाब ना हो सकी। आखिरकार तकदो के बाद इसने टूटी हुई कुर्सी के टुकड़े वहीं छोड़े और उठ खड़ी हुई। आमना को खीर खाने के बाद नींद आने लगी थी। इसने ऊपर की मंजिल पर जाकर देखा तो वहाँ तीन बिस्तर बिछे हुए थे। आमना ने सबसे बड़े बिस्तर पर लेटने की कोशिश की। ये बिस्तर डैडी भालू का था। आमना इस पर चढ़ने में कामयाब ना हो सकी क्योंकि बिस्तर काफी ऊंचा था। फिर इसने मम्मी भालू के बिस्तर पर लेटने की कोशिश की तो ये भी इसके लिए मुनासिब ना था। आखिर में आमना मुन्ने भालू के बिस्तर पर लेटकर सो गई। काफी देर बाद जब तीनों भालू सैर करके घर वापस आए तो इन्हें घर में कुछ अजीब अजीब सा महसूस हुआ। डैडी भालू ने कहा, अरे देखो, किसी ने मेरी कुर्सी पर बैठने की कोशिश की है और शायद मेरे प्याले में खीर खाने की भी कोशिश की है। मम्मी भालू ने कहा, हाँ देखो, मेरी कुर्सी भी अपनी जगह से हटी हुई है और मेरे प्याले से भी लगता है किसी ने खीर खाने की कोशिश की है। आखिर में मुन्ना भालू बोला, ये देखो, किसी ने मेरे प्याले में से भी सारी खीर खा ली है और मेरी कुर्सी भी तोड़ दी है। अभी ये तीनों बातें कर रहे थे कि इन्हें ऊपर वाले अपने बेडरूम से कुछ नामानूस सी आवाजें सुनाई दी। आवाजें सुनकर भालू बहुत परेशान हुए। फिर डैडी भालू ने कहा, मेरा ख्याल है हमें ऊपर जाकर देखना चाहिए, शायद कोई अभी तक हमारे घर में मौजूद है। डैडी भालू की बात सुनकर मम्मी और मुन्ना भालू डैडी के पीछे पीछे आहिस्ता कदमों से चलते ऊपर वाले कमरे में पहुंचे। डैडी भालू ने कहा, देखो, किसी ने मेरे बिस्तर पर लेटने की कोशिश की है, इसकी चादर अपनी जगह से हटी हुई है। मम्मी भालू ने कहा, किसी ने मेरे बिस्तर पर भी लेटने की कोशिश की है। मुन्ना भालू बोला, कोई मेरे बिस्तर पर लेटा था? नहीं नहीं बल्कि अभी तक लेटा है और सो
रो रहा है। मुन्ने भालू की बात सुनकर मम्मी और डैडी भालू भी आ गए और इसके बिस्तर में सो रही थी। इसे देखकर भालू आपस में एक दूसरे से पूछने लगे कि वो कौन है। भालुओं की आवाजें सुनकर आमना की आंख खुल गई। वो अपने इर्द गिर्द भालुओं को देखकर परेशान हो गई और जल्दी से बिस्तर से निकलकर बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। अपने घर पहुँचने तक आमना ने पीछे मुड़कर भी ना देखा और आइंदा कभी जंगल के इस हिस्से में ना आ गई। ये थी आज की स्टोरी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।